हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डीपी। मैं हूँ आप लोगों का दोस्त प्रणव। तो आज यहाँ पे भाई हवाई में कुछ ही दिन पहले, दो या एक दिन पहले ही होगा, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 जो है वो भाई अनाउंस हो चुका है। वहाँ पे लॉन्च इवेंट था इसका। यहाँ पे ये जो चिपसेट है, यहाँ पे बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी के साथ आया है। पहले मीडियाटेक 9200 जो था उसे बोला जा रहा था कि बहुत ज्यादा पावरफुल चिपसेट है अभी तक के एंड्रॉइड के दुनिया का, पर इससे भी ज्यादा पावरफुल चिपसेट जो है ये स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 निकल के आ रहा है। यहाँ पे अभी इन दोनों चिपसेट का कंपेरिजन भी थोड़ा बहुत करेंगे। और 8 प्लस जेन 1 था जो इसके, मतलब स्नैपड्रैगन के पिछले वाले वर्जन जो था, इसके साथ इसका क्या डिफरेंस है और ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, बैटरी एफिशिएंट है, और क्या क्या इसमें नया नया फीचर है, नया नया टेक्नोलॉजी है, सब कुछ के बारे में बात करेंगे, सारे सब डिटेल में बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे मीडियाटेक 9200 जो था ये इसका सबसे बड़ा, मतलब स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 का सबसे बड़ा कंपटीटर यहाँ पे, मतलब एक तगड़ा कंपटीटर है यहाँ पे। मीडियाटेक का दिन बहुत अच्छा जा रहा है और स्नैपड्रैगन तक का तो पहले से ही अच्छा था। अभी मतलब समझ रहे हो, मीडियाटेक जो है वो स्नैपड्रैगन को कड़ा टक्कर दे रहा है। और भाई चिप्स के बारे में, चिपसेट्स के बारे में काफी बढ़िया हो रहा है अभी सब कुछ। तो अभी दोनों के बारे में ही बात करते हैं, मेनली स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 के बारे में बात करते हैं। स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 जो था उसमें भाई काफी ज्यादा हीटिंग इश्यू था, वो भी 4 नैनोमीटर के ऊपर बना हुआ था, पर वो सैमसंग की तरफ से फैब्रिकेट हुआ था। पर यहाँ पे स्नैपड्रैगन जो 8 प्लस जेन 1 था वहाँ पे भाई हीटिंग एंड थ्रॉटलिंग इशू को काफी बढ़िया तरीके से कंट्रोल किया गया था। और अभी जो मीडियाटेक का 9200 वाला जो चिपसेट आया है वो भी TSMC की तरफ से 4 नैनोमीटर के ऊपर, पर ये एक नया टेक्नोलॉजी है, 4 नैनोमीटर 2.0 ऐसा कुछ बोल सकता है, ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी है जिसमें देखते हैं हम लोग की हीटिंग इशू किस तरह से कंट्रोल किया गया है। और जो उससे भी बड़ी बात है कि स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 जो है ये भी यहाँ पे वही TSMC की तरफ से 4 नैनोमीटर का नया जो टेक्नोलॉजी है उसी टेक्नोलॉजी में बनाया गया है। तो अभी देखने का चीज ये होगा, अभी से ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि इसमें हीटिंग होगा या नहीं होगा, पर रिपोर्ट के अनुसार, हिस्ट्री के अनुसार TSMC भाई काफ़ी बढ़िया तरीके से थ्रॉटलिंग एंड हीटिंग को कंट्रोल करता है। ऐसा कुछ आशा तो करते हैं, 80% चांस है भाई हीटिंग कंट्रोल होगा, पर देखते हैं अभी जब स्मार्टफोन आएगा तभी पता चलेगा कि इसमें कितना ज़्यादा थ्रॉटलिंग और कितना ज़्यादा हीटिंग इशू है। वो यहाँ पे नए नए फीचर्स से बात करने से पहले सभी यहाँ पे जानना चाहेंगे इसके स्पेक्स के बारे में, इसके कोर काउंटिंग्स के बारे में। तो यहाँ पे इसके अगर कोर काउंटिंग्स की बात करें तो इस चिपसेट में ये 8 कोर देखा जाता है। यहाँ पे पहला जो प्राइम कोर है ये एक है यहाँ पे, और जो परफॉर्मेंस कोर जो है, मतलब सुपर कोर जो है यहाँ पे, तो 4 देखा जाएगा बेसिकली। पिछले बार 8 प्लस जेन 1 के मुकाबले 8 प्लस जेन 1 में जो सुपर कोर था, जो परफॉर्मेंस कोर था बेसिकली, मिड कोर जो है वो 3 था, पर अभी 4 एक बढ़ाया गया है। और जो पावर सेविंग कोर था, नॉर्मल जो 2 GHz वाला कोर होता है, वो कोर 4 था पर उसे अभी 3 कर दिया गया है। अभी ये बढ़िया डिसीजन है क्योंकि भाई नॉर्मल जो काम होता है वो तो काफ़ी बढ़िया तरीके से 3 कोर हैंडल कर लेगा, पर जो वो मिड कोर हो, मतलब सुपर कोर होता है, उसका काम काफ़ी ज़्यादा होता है, उसमें प्रेशर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, इसलिए वहाँ पे 4 कोर दे दिया है। तो काफ़ी बढ़िया है ये, काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल कर पाएगा। तो यहाँ पे जो एक कोर दिया गया है Cortex-X3 का जो परफॉर्मेंस कोर दिया गया है वो अप्रॉक्स 3.19 GHz तक क्लॉक्ड होता है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा अभी तक के स्मार्टफोन के दुनिया का, मतलब एंड्रॉयड स्मार्टफोन के दुनिया का सबसे ज़्यादा है, काफ़ी मैसिव है। और यहाँ पे जो मिड कोर देखा जा रहा है, मतलब जो 4 कोर है बेसिकली, वो Cortex-A715-4 देखा जाएगा यहाँ पे 2.80 GHz पे, मतलब एडिटिंग, रेंडरिंग और भी हेवी टास्क जो है ये सब कुछ इसी में होने वाला है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और पावर सेविंग कोर के अगर बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे 3 कोर देखने को मिल जाएगा, ये भी बेसिकली Cortex-A510 का है। और ये जो कोर है ये पहले ही मैंने बता दिया कि ये 2.0 GHz पे क्लॉक होने वाला है, तो मतलब नॉर्मल जो डे टू डे टास्क होता है, ऐप रनिंग, सोशल मीडिया, ये सब और भी जो नॉर्मल छोटे मोटे काम होते हैं वो सब काफ़ी बढ़िया तरीके से होने वाला है। 2.0 GHz मतलब काफ़ी बढ़िया होता है पावर सेविंग कोर्स के लिए। और अगर यहाँ पे GPU का बात किया जाए, मतलब बेसिकली गेमिंग ड्राइव का बात किया जाए, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा चेंजेस है यहाँ पे भाई। यहाँ पे Adreno 740 देखने को मिल जाएगा आपको इस चिपसेट में, जो कि भाई गेमिंग को काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल करता है, हैंडल क्या, गेमिंग को काफ़ी बढ़िया तरीके से बूस्ट करता है। और ये स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 जो है उससे भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंड बैटरी एफिशिएंट है यहाँ पे। और यहाँ पे हार्डवेयर एक्सेलरेटेड भाई रे ट्रेसिंग देखने को मिल जाता है। रे ट्रेसिंग सभी ने तो सुन रहा है कि रे ट्रेसिंग क्या होता है बेसिकली। रे ट्रेसिंग ये होता है, आप जब डेस्कटॉप में PC में जब गेम खेलते हो तब उसमें क्या होता है, किसी भी लाइट का इफेक्ट जो होता है उसका अलग से रे दिखाई देता है, उसका अलग से इफेक्ट आता है, पानी के ऊपर से जो शेडोज आता है या फिर नॉर्मल जो शेडोज होता है वो सब एकदम अलग से निखर के आता है, और जो कि हार्डवेयर बेसिस यहाँ पे है। बढ़िया बात यह है कि अभी तक प्ले स्टोर में एक भी ऐसा सिंगल ऐसा कोई गेम नहीं है जो रे ट्रेसिंग सपोर्ट करता है। हाँ डेफिनेटली अगर कोई भी गेम ऐसा बनेगा एंड्रॉयड में इन फ्यूचर,
कि जो रे ट्रेसिंग सपोर्ट करता है, तो मतलब इस चिपसेट के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से कंफर्टेबल हो सकता है। तो इस हिसाब से हम लोग इस GPU को बोल सकते हैं कि भाई ओवरपावर्ड या फिर वक्त से ज़्यादा एडवांस ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो मतलब समझ सकते हो कि टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ जा रहा है भाई। PC में जो भाई ग्राफिक्स क्वालिटी देखने को मिलता था वो सब अभी स्मार्टफोन में मिल रहा है, आपके हाथ में मिल रहा है, ये काफ़ी बढ़िया बात हो जाता है। बोनस पॉइंट ये भी है, यहाँ पे अनरियल इंजन 5 देखने को मिलता है गेमिंग के लिए, और मेटा ह्यूमन फ्रेमवर्क भी देखने को मिल जाता है भाई, ये एडिशनल पॉइंट है। तो GPU के साइड से ये तगड़ा क्या भाई, वक्त से आगे है ये चिपसेट स्मार्टफोन के लिए। तो अभी अगर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 और 8 Gen 1 के बारे में यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे दोनों ही 4 नैनोमीटर का था, पर 8 Gen 2 में एड्रीनो 740 देखने को मिलेगा और 8 Gen 1 में यहाँ पे आपको एड्रीनो 730 देखने को मिलता था, और जहाँ पे रे ट्रेसिंग ऐसा कुछ भी नहीं था। और अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए, कोर्स के बारे में, तो वहाँ पे भी डिफरेंस है। यहाँ पे 4 सुपर कोर देखने को मिलता है, वहाँ पे 3 सुपर कोर देखने को मिलता था भाई। क्लॉक स्पीड में भी डिफरेंस है, यहाँ पे 3.19 GHz का क्लॉक स्पीड देखने को मिलता है, वहाँ पे 3 GHz का क्लॉक स्पीड देखने को मिलता था। काफ़ी चीज़ों में जैसे कि UFS 4.0 देखने को मिल जाता है आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 में। UFS 4.2 मतलब भाई डेटा ट्रांसफर का एक नया ज़माना, एक रेवोल्यूशन, जहाँ पे आप मतलब और भी ज़्यादा तेज़ी से भाई यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो बेसिकली। अगर 8 Gen 1 और 8 Gen 2 इन दोनों का डिफरेंस देखें कि यहाँ पे UFS 3.1 और UFS 4.0 दोनों में क्या डिफरेंस है डेटा ट्रांसफ़र की रेटिंग में, तो यहाँ पे UFS 4.0 में भाई आप 4200 Mbps की स्पीड में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो कि अगर रीड स्पीड के बारे में बात किया जाए, और UFS 3.1 में 2100 Mbps की स्पीड में, और अगर राइट स्पीड के बात किया जाए तो यहाँ पे 2800 Mbps, और अगर UFS 3.1 के बारे में बात किया जाए तो वो 1200 Mbps ऐसा कुछ स्पीड में डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। मतलब आप फर्क देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है दोनों में, UFS 4.0 और 3.1 में। तो यहाँ पे ये डिफरेंस बन जाता है भाई एकदम साफ। 8 Gen 2 में आपको 5G सिम डुअल स्टैंडबाय देखने को मिल जाएगा, 175G मॉडेम देखने को मिलता है, और यहाँ पे 8 Gen 1 में आपको 165 5G मॉडेम देखने को मिलता था, LPDDR5X जिसका भाई फ्रीक्वेंसी कुछ है यहाँ पे 4200 MHz का, और पिछले वाले जनरेशन का LPDDR5 जो है यहाँ पे 3200 MHz का फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाता था। Wi-Fi 7 जिसका स्पीड कुछ आपको 5.8 Gbps का पीक स्पीड देखने को मिलता है, और वहाँ पे Wi-Fi 6E 3.6 Gbps का स्पीड देखने को मिलता था। तो मतलब Wi-Fi 6 अभी तक इंडिया में हर जगह पे भाई सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, अभी से आया भी नहीं है इंडिया में Wi-Fi 6 ढंग से। यहाँ पे Wi-Fi 7 का बारे में बताया जा रहा है, तो मतलब आप ही बताओ इस बारे में कमेंट में, मैं कुछ नहीं बताना चाहता, वक्त से आगे मैं बोला था ना। और अगर यहाँ पे सबसे बड़ा इसका जो कंपटीटर है मतलब Dimensity 9200, उसके साथ अगर Snapdragon 8 Gen 2 का डिफरेंस देखा जाए, तो यहाँ पे आपको भाई कोर्स में दोनों ही 4 नैनोमीटर का चिपसेट है, पर इसका जो पीक क्लॉक स्पीड है 3.19 GHz, उसका पीक क्लॉक स्पीड 3.05 GHz, और इसका जो नॉर्मल कोर जो है मतलब सुपर कोर जो है वो 4 4 कोर देखने को मिलता है, और यहाँ पे डिमेंसिटी में 3 कोर देखने को मिलता है, और जिसका पीक क्लॉक स्पीड 2.80 है, और यहाँ पे डिमेंसिटी में थोड़ा ज़्यादा है 2.85, पर दोनों में डिफरेंस ये है कि इसका 3 कोर है, उसका 4 कोर है। और यहाँ पे आपको अगर पावर सेविंग कोर जो है वो 3 कोर देखने को मिलता है, 2.0 GHz कॉर्टेक्स का A510, और यहाँ पे आपको पावर सेविंग कोर 1.8 GHz का कॉर्टेक्स का A510 देखने को मिल जाता है। तो मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। और अगर गेमिंग ड्राइव की बात किया जाए तो एड्रीनो 740 GPU देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 में, और भाई यहाँ पे G715 GPU देखने को मिलता है Dimensity 9200 में। तो मतलब दोनों ही दोनों के जगह काफ़ी बढ़िया है। अभी ये दोनों का इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भाई ऐसा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा कि स्मार्टफोन का कंपनी जो है इसे किस तरह से यूज़ करता है, ये देखने वाला चीज़ होगा यहाँ पे। और अगर भाई यहाँ पे स्टोरेज का बात किया जाए, तो यहाँ पे UFS 4.0 दोनों में ही है, LPDDR5X का सपोर्ट भी दोनों में ही है, Wi-Fi 7 का सपोर्ट भी दोनों में ही है, पर यहाँ पे ऑन पेपर जो है Wi-Fi 7 का स्पीड जो है यहाँ पे 6.5 Gbps पीक स्पीड दिखा रहा है Dimensity में, और जो Snapdragon है वहाँ पे 5.8 Gbps का पीक स्पीड दिखा रहा है। अभी ये देखने का चीज़ होगा क्या होता है क्या नहीं होता है, यहाँ पे Dimensity आगे है। अभी अगर कैमरा सपोर्ट के बारे में बात किया जाए स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के बारे में, तो यहाँ पे क्वाड एक्सपोजर इमेज सेंसर ऐसा कुछ का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अलग से ऑप्टिमाइज़ किया गया है सोनी IMX800F, जो नया वाला नया तो बेसिकली नहीं है, सोनी IMX989 का सपोर्ट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल सकता है, जो कि भाई इसी के लिए यही सेंसर के लिए इस चिपसेट को ऑप्टिमाइज़ किया गया है। और यहाँ पे ऑल्सो आपको स्नैपड्रैगन का जो
200 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है, जो कि ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है S23 में देखने को मिलेगा। कुछ 200 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर जो है इस चिपसेट के लिए वेल ऑप्टिमाइज्ड किया गया है और अलग तरह से AI पावर्ड, जैसे कि गूगल पिक्सल में होता है, वीवो चिप्स में होता है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अलग तरीके से AI बेस्ड ऐसा कुछ इमेज के साथ काम करता है, आफ्टर प्रोसेसिंग होता है, वैसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करो तो AV1 हार्डवेयर डिकोडिंग देखने को मिल जाता है। AV1 हार्डवेयर डिकोडिंग बेसिकली क्या होता है, AV1 हार्डवेयर डिकोडिंग ये होता है कि HDR वर्जन में 60fps में 8K वीडियो रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। अभी तक 30fps में देखने को मिल रहा था ओल्डर वर्जन में स्नैपड्रैगन या फिर किसी भी और जगह पे, पर यहाँ पे 60fps इस चिपसेट के साथ वाला जो स्मार्टफोन्स आएंगे उसमें देखने को मिल सकता है अगर कंपनी चाहे तो। और दोस्त ये वाला जो चिपसेट है ना Snapdragon 8 Gen 2, इसका एक और यूनिक फीचर जो है कि इसमें भाई ऑडियो चिप अलग से Qualcomm का ऑडियो चिप देखने को मिल जाता है, जो कि आपको ऑडियो का अलग ही एक्सपीरियंस देता है, गेमिंग के लिए अलग एक्सपीरियंस, ऐसा 3D ऑडियो, ऐसा कुछ सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, शर्त यह है कि आप जो हेडसेट यूज़ करते हो या फिर जो ब्लूटूथ ईयरबड्स यूज़ करते हो उसमें भी क्वालकॉम का चिप होना चाहिए, तभी जाके आप दोनों आपके स्मार्टफोन के साथ और आपके जो ईयरबड्स है उसके चिप के साथ दोनों ऑडियो कंबाइन कर पाएगा और आपको बेस्ट ऑफ पॉसिबल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर पाएगा। ये बोस के एक ऐसा ईयरबड्स है, और भी बोस के आने वाले हैं, और भी इन फ्यूचर में देखते हैं किस किस में आता है। अभी तो बहुत ज़्यादा क्या, अभी एक या दो ज़्यादा से ज़्यादा ईयरबड्स में ऐसा कुछ चिप का सपोर्ट देखने को मिलता है, वो भी ढंग से नहीं है। इन फ्यूचर देखते हैं क्या से क्या होता है, पर ये काफ़ी कूल फीचर है कि भाई आप जब गेम खेलते हो तो आप हेड रिमूविंग ऐसा ऑडियो एक्सपीरियंस देख पाओ, या फिर आप 3D ऑडियो की म्यूज़िक के साथ मज़े ले पाओ मूवीज़ में, 3D पिक्चर्स में, या फिर कुछ भी हो, तो ये काफ़ी बढ़िया बात हो जाता है। इस चिप सेट के बारे में और भी बहुत सारे स्पेशल चीज़ है, पर जो जो मेन था वो मैंने बता दिया। और अगर ऐसा कुछ आपको इस बारे में कुछ बोलना है, अगर मैंने कुछ मिस कर गया तो आप कमेंट में ज़रूर से बोल सकते हो, वो कमेंट बॉक्स आपका है। और वीडियो अगर बहुत थोड़ा सा भी अच्छा लगा है मेरे शक्ल को छोड़ के, तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए।